हाँ जी, जय हिंद जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो हरियाणा पुलिस वाले साथियों के लिए रहने वाली है। चार पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, जिसमें आपकी क्वेरी भी रिजोल्व हो जाएगी। सबसे पहला पॉइंट है कि हरियाणा पुलिस का ज्वाइनिंग प्रोसेस चला हुआ है, उसमें क्या कुछ चल रहा है। दूसरा, जिनके पास कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, कह रहे कि भाई हमारे को तो बुलाया नहीं, कोई कॉल मैसेज नहीं आया और अपना साथियों के अपना ज्वाइनिंग भी होगी, बेल्ट नंबर भी मिल गया, तो उनको क्या करना है। तीसरा, कई साथी एक्सटेंशन प्रोसेस का पूछ रहे थे कि भाई हमारे को ये इशू है, ये जेन्युइन समस्या है, हमारे को यार एक्सटेंशन लेना है एक महीने का, तीन महीने का, तो उसका क्या प्रावधान है, एक्सटेंशन कैसे ले सकते हैं। चौथा, गर्ल्स की ट्रेनिंग कहाँ होगी, बॉयज़ की ट्रेनिंग कहाँ होगी, चौथा पॉइंट ये है। तो हम चारों पॉइंट डिस्कस करेंगे सिक्वेंस वाइज। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वहाँ पे ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस चल रहा है। वैसे तो आप सभी को पता लग भी गया होगा, आपने अपने साथियों को फ्रेंड सर्कल में पता कर लिया होगा फ़ोन करके भाई क्या कुछ चल रहा है। वहाँ जाओगे तो आपको वो चार फॉर्म्स देंगे, वो आप चार फॉर्म्स फिल करोगे, आपको पाँच छः फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज़, वो फिल करके सबमिट कर दोगे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो सभी ले लेंगे, उनको स्टेपल करके उनके पास एक फाइल होती है, वो फाइल उनके पास ही रहती है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे वो आपके ले लेंगे और आपको बेल्ट नंबर दे देंगे, आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग मिल जाएगा। चाहे तो उसी टाइम वो वर्बली आपको टाइम दे देंगे, भाई कल आ जाना, परसों आ जाना आप फॉर योर मेडिकल, या फिर उस टाइम नहीं बुलाया तो आपको उस टाइम फ्री कर देंगे, आप घर आ जाओगे, नेक्स्ट डे आप पे फ़ोन आ जाएगा मेडिकल के रिगार्डिंग, जहाँ भी बुलाएंगे आपको मेडिकल के लिए जाना है। तो ये प्रोसेस चल रहा है ज्वाइनिंग का। तो वहाँ पे जाओगे आप, चार फॉर्म फिल करोगे, आपको आपके डॉक्यूमेंट पर रख लेंगे ओरिजिनल और आपको बेल्ट नंबर दे देंगे। जैसे ही बेल्ट नंबर मिल गया, समझ लीजिए आपकी ज्वाइनिंग होगी, सैलरी आपकी पहले दिन की यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, बेल्ट नंबर मिलते ही। दूसरी क्वेरी पे चलते हैं। दूसरा है अपना, जिन साथियों पे अभी तक ना मेल आई है, ना कॉल आया है, ना मैसेज आया है, तो उनको क्या करना है। देखिए, जैसे फरीदाबाद में अभी तक किसी के पास कॉल नहीं आया था, तो आपकी ना रैंक वाइज जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आपको रैंक पता है और रैंक के आधार पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट भी पता है। एक बार मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ये देखिए, इसमें आपका मेरिट ऑर्डर और अपना डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, तो आपको आपका मेरिट ऑर्डर रैंक के आधार पे पता है और डिस्ट्रिक्ट भी पता है, तो आप डायरेक्ट ना अपने डिस्ट्रिक्ट में पुलिस लाइन में जाके रिपोर्ट कर सकते हो कि सर मेरा ऐसे ऐसे हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पे सिलेक्शन हुआ है, मेरे पे कॉल मैसेज नहीं आया है, और उनके रिकॉर्ड पे वहाँ पे आपका नाम होगा उनके रिकॉर्ड में, तो वो अपने एंड पे आपकी फॉर्मेलिटीज़ ये जो ज्वाइनिंग वाली है करा सकते हैं। तो आप एक बार पुलिस लाइन जरूर जाइए उस डिस्ट्रिक्ट में, अगर आपके पास अभी तक फ़ोन मैसेज कॉल नहीं आया तो वैसे आ जाएगा, और आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ ना उसकी पुलिस लाइन में जाके भी आप वहाँ पे अपना बात करेंगे कि सर ऐसे ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ है और ये डिस्ट्रिक्ट मेरे को मिला है पुलिस लाइन में, तो उनके पास रिकॉर्ड है सारा, आपके सभी के नाम है उनके पास, जिस जिसको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ ना वो रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, तो वो उनके ऊपर है, वो आपकी सारी फॉर्मेलिटी वहाँ पे करा भी सकते हैं, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता फ़ोन करना सभी को, तो फिर आप जा सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में और अपना फॉर्मेलिटी वो वहाँ पे करवा लेंगे, आपका जो अपना फॉर्म वगैरह लेके बेल्ट नंबर वगैरह दे देंगे। एक बार वहाँ पे जाके आप ज़रूर बात कीजिए, आपका फ़ोन मैसेज जिसके पास नहीं आया। अब चलते हैं तीसरी क्वेरी। थर्ड क्वेरी है आपकी एक्सटेंशन से लेकर, सबसे ज़्यादा मैसेज, सबसे ज़्यादा क्वेरी एक्सटेंशन को लेके आ रहे हैं कि भाई अपने को, मेरे को एक्सटेंशन लेना है, मेरा ये रीज़न है, उसका क्या प्रोसेस है। तो मैं आपको एक्सटेंशन का प्रोसेस बताता हूँ। तीन कैटेगरी में एक्सटेंशन का प्रोसेस है, सबसे पहले एक मंथ का, फिर तीन मंथ का, फिर छः मंथ का। एक मंथ में एक्सटेंशन के लिए आपको क्या करना है, ये आपका ज्वाइनिंग डेट से काउंट होता है एक्सटेंशन। आपको जब आपकी ज्वाइनिंग हो रही होगी, हो जाएगी, आपको ज्वाइनिंग अथॉरिटी के पास जाना है, आपका एक्स वाई जेड जो भी रीज़न है, जो भी आपकी जेन्युइन समस्या है, मेडिकल के रिगार्डिंग है या कोई भी है, जिस तरह मेडिकल के रिगार्डिंग है तो आप मेडिकल रिपोर्ट्स लेके जाइए कि भाई सर मेरे को शरीर में ये दिक्कत है, या मेरा ये ऑपरेशन हुआ, या मेरे को ये ऑपरेशन कराना है, तो मेरे को सर अपना एक्सटेंशन चाहिए, एक मंथ का एक्सटेंशन चाहिए। तो वो ज्वाइनिंग अथॉरिटी के वहाँ पे जो अपना स्टाफ होगा, जो सीनियर होंगे, वो उनके विवेक के ऊपर बात है, उनको आपकी समस्या जेन्युइन लगती है तो आपको वो एक्सटेंशन दे देंगे वन मंथ का। जिस तरह किसी का हाल फिलहाल में ऑपरेशन होना है कोई भी, और हाल फिलहाल में ही ज्वाइनिंग होगी, वो अभी थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो 15-20 दिन बाद आना चाहता है, तो वो अपना इशू बताएगा कि सर मेरे को इस चीज़ का ऑपरेशन करवाना है और ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स, वो उनको सबूत दिखाएगा। तो वो उनके सीनियर्स जो है वहाँ पे हैं, वो उनके विवेक के ऊपर उनके उस बात है कि वो आपको एक्सटेंशन देते हैं कि नहीं। आपका जेन्युइन इशू होगा तो आपको वन मंथ का एक्सटेंशन मिल जाएगा। दूसरा इसमें होता है तीन मंथ का एक्सटेंशन। तीन मंथ का एक्सटेंशन जैसा है, आप पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में थे तो वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, या रिलीव प्रोसेस में वहाँ पे टाइम लग रहा है, तो आपको टाइम दे दिया जाएगा, या कोई और अदर पर्सनल रीज़न होगा
तो उसमें 3 महीने का टाइम दे दिया जाएगा, आप 3 महीने बाद आप ज्वाइन कर लोगे। तीसरा है मैटरनिटी लीव 6 महीने का, कोई सिस्टर है अपनी वो प्रेग्नेंट है तो उनको 6 महीने का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन होता क्या है ना, एक्सटेंशन में फिर आपका ना थोड़ा सा सीनियरिटी पे फ़र्क पड़ता है। जितना 3 महीने और 6 महीने की एक्सटेंशन है ना, उसमें आपकी ट्रेनिंग नेक्स्ट बैच के साथ होगी तो आपकी सीनियरिटी उनसे अलग हो जाएगी जिस बैच में आप सिलेक्ट हुए हो ना। तो अगर आप डिले 3 महीने और 6 महीने बाद होगे तो आपकी ट्रेनिंग भी उनके साथ नहीं हो पाएगी, दूसरे बैच के साथ होगी, तो आपकी सीनियरिटी पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी पासिंग आउट परेड उनके साथ नहीं होगी। तो एक्सटेंशन का ये प्रोसेस है, 1 महीने वाला भी, 3 महीने वाला भी, 6 महीने का। 1 महीने वाला बता दिया आपके जनरल समस्या है, कुछ मेडिकल इशू है, ऑपरेशन करवाना है, तो वहाँ पे जॉइनिंग अथॉरिटी को बताओ मेरे ये रीज़न, मेरे ये समस्या सर, मेरे को 15-20 दिन का रिलैक्सेशन चाहिए, मैंने ये ऑपरेशन कराना है, मैं ऑपरेशन करा के अपना रिकवर होकर आ जाऊँगा या आ जाऊँगी, तो जॉइनिंग अथॉरिटी आपको 1 महीने का रिलैक्सेशन दे देगी। बाकी 3 महीने और 6 महीने में थोड़ा सा फिर आप अगले बैच में ट्रेनिंग करोगे। ये आपकी तीसरी क्वेरी थी और एक्सटेंशन के रिगार्डिंग मैंने तीनों बता दिया, 3 कैटेगरी में कैसे कैसे आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। चौथा, आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, मेल कांस्टेबल की और फीमेल कांस्टेबल की। मैं अपने बैच की बताऊँ तो हमारे बैच में जिस तरह 1700 लड़के थे जो टॉप के, उनको रैंक वाइज उनको डिस्ट्रिक्ट मिल गए थे रिस्पेक्टिव इंडिविजुअली, बाकी लड़के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे बटालियंस में, 1st बटालियन, 2nd बटालियन, 3rd बटालियन, 4th बटालियन। तो जो 1700 बच्चे थे उनकी ट्रेनिंग हुई थी बोनसी में सभी की, जिनको डिस्ट्रिक्ट मिले थे, 2nd बटालियन की और 4th बटालियन की ट्रेनिंग हुई थी हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में, 3rd बटालियन की ट्रेनिंग हुई थी अपना यहाँ पे सुनरिया में, और अपना 5th बटालियन की ट्रेनिंग हुई थी नेवल करनाल में। तो फिक्स कुछ नहीं होता कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, ये डिसाइड इन्हीं ये ही करेंगे, तो ऐसा फिक्स नहीं है कि जिस तरह हमारी बारे में हुआ था डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे ऐसे। अब तो डिस्ट्रिक्ट भी आपको टेम्प्रेरी डिस्ट्रिक्ट मिले हुए हैं और 450 ही बंदे हैं सिर्फ एचसीपी में, तो आपकी कहीं भी हो सकती है ट्रेनिंग। फिलहाल तो आप ज्वाइनिंग करवाइए अपनी, आपको 2-4 दिन में पता लग जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी ना कि इतने से इतने कैंडिडेट ऐसे ऐसे सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कुछ फिक्स नहीं है। और रही बात गर्ल्स की, गर्ल्स का भी यही है, सारी गर्ल्स की ट्रेनिंग एक ही अकेडमी में होगी, मोस्ट प्रोबेबली तो हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन में ही होगी, लेकिन फिर वही है ना, ऑफिशियल कुछ नहीं है। जिस तरह अपना दुर्गा शक्ति की ट्रेनिंग हुई थी भोंडसी में, तो भोंडसी भी हो सकती है, हिसार भी हो सकती है, और मधुबन भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, पर मेरे को लगता है 99% आपकी मधुबन अकेडमी में ही होगी। फिलहाल आप सभी पुलिस लाइन में जाओगी, रिस्पेक्टिव पुलिस लाइन जो आपको मिली हुई डिस्ट्रिक्ट मिला उसकी पुलिस लाइन में लड़कियां सभी 1-1.5 महीना वहाँ लगाएगी, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन आउट होएगा और सारी एक जगह ट्रेनिंग करेगी। तो यही 4 पॉइंट थे जो हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करने थे। अब कई कैंडिडेट पूछते हैं कि भाई हमारे को कितने टाइम का कितना वक्त मिलेगा ज्वाइनिंग में मेडिकल के बाद, तो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा उसी टाइम कह देंगे भाई अगले दिन रिपोर्ट करना है 2 बजे या 3 बजे। तो अपना सामान वगैरह तैयार कर लीजिए, आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस चला हुआ है आजकल में, ज्वाइनिंग हो जाएगी। अपना जो 2-2 जोड़ी सिविल के, अपना जो रोज़मर्रा का डेली यूज़ का सामान है, थोड़ा ज़्यादा सामान मत लेके जाइए, अपना सामान तैयार कर लीजिए और अपनी ज्वाइनिंग कीजिए, पुलिस डिपार्टमेंट में आइए। सभी को ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।